नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात जवाद अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात जवाद अभी 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में तट से टकराने के बाद ये ज्यादा तबाही नहीं मचाएगा। हालांकि तूफान के प्रभाव से मौसमी गतिविधियों में बदलाव जारी है। ओडिशा के पुरी में भारी बारिश हो रही है। तूफान के कमजोर पड़ने से नुकसान की संभावना कम हो गई है, लेकिन मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उत्तरी तटीय और आसपास के क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश तटों पर जोरदार बारिश हो सकती है। मछुआरों से इन इलाकों में नहीं जाने की चेतावनी भी दी गई है। इसके चलते पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के 5 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक ओडिशा के 5 जिले मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान जवाद डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। इसके साथ ही चक्रवात जवाद 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जो ओडिशा के पूरी तटीय इलाके तक पहुँच सकता है। चक्रवात की गतिविधियों के मद्देनजर मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को मछली पकड़ने और जाल बिछाने के लिए 6 दिसंबर तक समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।